एमपी के पुनासा में भारत रत्न संविधान निर्माता और देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती पर सिंगाजी ताप परियोजना की आवासीय परिसर कॉलोनी के स्वर्गीय अनिल छरबड़े उद्यान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में परियोजना के मुख्य अभियंता एम चतुर्वेदी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी पहुंचे। सबसे पहले फोटो पर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद उद्यान में बनी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर बड़े फूल की बनी माला पहनाकर माल्यार्पण किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम में सभी का स्वागत पर्यावरण बचाने के संदेश को देते हुए पौधा देकर किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर इस उद्यान में एक बच्चों के लिए स्लाइड, एक मंकी झूला और महिलाओं के लिए एक्सरसाइज इक्विपमेंट और साथ ही दो चेयर को स्थापित किया गया है। ये क्यों दिया जाता है? ताकि महिलाएं और बच्चे अपने स्वास्थ्य का लाभ ले सके, साथ ही मनोरंजन कर सके और साथ में बैठकर वो यहाँ पर समानता, समता और एकता जैसे भावों को अपने बच्चों में और खुद में विकसित कर सके। आदरणीय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के रूप में यहाँ कॉलोनी के पार्क में एक समारोह का आयोजन किया गया और इसमें बच्चों ने काफी अच्छी प्रस्तुतियां दी एवं विभिन्न वक्ताओं द्वारा बाबा साहेब के जो भी जीवन परिचय था वो दिया गया, उनकी जो भी उनकी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो भी शिक्षाएं थी उन पर उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने के लिए सभी को प्रेरित किया गया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।